नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। उरी आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था, लेकिन विपक्ष की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सवाल उठाए गए थे और यही नहीं, इसे फर्जिकल स्ट्राइक तक कहा गया था। हालांकि सरकार ने कुछ महीनों बाद सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो भी जारी किया था, लेकिन इस बार सरकार को किसी तरह के कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान के सेना प्रवक्ता जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट कर भारतीय सेना की कार्रवाई की पुष्टि करते हुए घटनास्थल की तस्वीरें जारी की हैं। भारत ने दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया है। वायुसेना के मिराज विमानों ने पीओके के बालकोटा, चकोटी और मुजफ्फराबाद में जबरदस्त बमबारी कर आतंकियों के ठिकाने तबाह कर दिए। इस कार्रवाई में 12 मिराज लड़ाकू विमानों ने 1000 किलो के विस्फोटक गिराए। खबरों के मुताबिक इस सैन्य कार्रवाई में 200 से 300 आतंकी ढेर हो चुके हैं। बता दें कि ये पहली बार है कि जब शांति काल में भारतीय वायुसेना ने सीमा को पार किया है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना भारतीय विमानों के पीओके में घुसने की बात तो मान रही है, लेकिन किसी बड़े नुकसान की खबर को सिरे से खारिज कर रही है। लेकिन भारत ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसमें सभी भारतीय विमान सीमा में सुरक्षित वापस लौट आए हैं। बता दें कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने अपने सुरक्षा बलों को कार्रवाई के लिए खुली छूट दे दी थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पुलवामा आतंकी हमले के साजिशकर्ताओं को छोड़ा नहीं जाएगा और सेना अपने हिसाब से कार्रवाई करेगी, जिसके मद्देनजर भारतीय सेना ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलवामा हमले के बाद भारत की ओर से एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया है। इस सैन्य कार्रवाई में भारत ने पीओके में घुसकर करारा जवाब देते हुए वायुसेना के मिराज विमानों ने बालकोटा और मुजफ्फराबाद के आसपास के ठिकानों को निशाना बनाया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस कार्रवाई के बारे में जानकारी दी है। बता दें कि भारतीय वायुसेना ने सुबह करीब 3 बजे 12 मिराज विमानों के जरिए जैश के ठिकानों को नस्ते नाबूद कर दिया, जिसमें जैश का कंट्रोल रूम Alpha 3 पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। इस बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और अहम नेताओं के बीच इस कार्रवाई के बारे में आगामी रणनीति पर चर्चा की। फिलहाल एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है और इस्लामाबाद में विदेश मंत्रालय की ओर से आपात बैठक भी बुलाई गई है। बीती रात 3 बजे भारतीय वायुसेना के जाबाजों ने LOC पार कर 14 फरवरी को हुए पुलवामा आतंकी हमले में शहीद 40 जवानों की शहादत का बदला ले लिया। भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 विमानों ने पाक अधिकृत कश्मीर में घुसकर जैश ए मोहम्मद के सभी लॉन्च पैड्स को तबाह कर दिया है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी भारतीय वायुसेना की तारीफ की है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि मैं भारतीय वायुसेना के जाबाजों को सलाम करता हूं। भारतीय वायुसेना ने पुलवामा आतंकी हमले का बदला लेते हुए पाक अधिकृत कश्मीर में जैश के ठिकानों पर जमकर बमबारी की। इसमें मिराज के विमान इस्तेमाल किए गए। भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 विमानों के जरिए जैश के कैंप पर 1000 किलो के बम गिराए गए। इस कार्रवाई के लिए एयरफोर्स ने मिराज 2000 ही क्यों इस्तेमाल किया, आइए जानते हैं मिराज 2000 की कहानी कि आखिर क्यों ये इस रणनीति का अहम हिस्सा रहा। मिराज 2000 विमान को फ्रांस की कंपनी डसाल्ट एविएशन ने बनाया है। बता दें कि इस विमान को बनाने वाली कंपनी वही कंपनी है जिसने राफेल को बनाया था। मिराज 2000 विमान चौथी जनरेशन का मल्टी रोल सिंगल इंजन लड़ाकू विमान है। इस विमान ने पहली उड़ान साल 1970 में भरी थी। यह लड़ाकू विमान अभी लगभग 9 देशों में अपनी सेवाएं दे रहा है। लगभग 600 से अधिक मिराज 2000 दुनिया भर में सेवारत है। 29 जून 1985 को नंबर 7 स्क्वाड्रन के पहले 7 विमानों की डिलीवरी के साथ भारतीय वायुसेना इस प्रकार का पहला विदेशी सेना बनी थी जिसके पास मिराज 2000 विमान था। मिराज 2000 विमान में प्रवर्तित होने वाला दूसरा स्क्वाड्रन नंबर 1 स्क्वाड्रन है, जिसे द टाइगर्स के नाम से जाना जाता है। इस विमान ने भारत की वायुसेना में 1986 में औपचारिक रूप से शामिल किया गया था। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एक्सपोज इंडिया पर। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आप तो क्या कर रहे हैं?